अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। नर्सरी क्लास की इंग्लिश की बुक के साथ मैं हाजिर हूँ। सेकेंड टर्म अब हमारा स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेटर पढ़ेंगे जो कि है के, और ये है पेज नंबर 22। सब पेज नंबर 22 ओपन करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर है के, जिसके साउंड है क, जिसकी साउंड है का। सब मेरे साथ साथ रीडिंग करें। काकी, का किंग, का काइट, का केटल, का कैंगरू, और जो नेक्स्ट वर्ड है ये है नी। चूंकि हम ये साउंड के साथ पढ़ते हैं और ये वर्ड है नी, स्टार्ट तो ये के साथ हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। हम बस यहाँ कैंगरू तक पढ़ेंगे। आइए नीचे वाला लेटर देखते हैं, ये है एल, जिसकी साउंड है ल। सब रीडिंग करें मेरे साथ। ल लॉक, ल लेक, ल लीफ, ल लैम, ल लॉक, ल लेटर। आइए नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्मॉल के लिखा हुआ है, ये देखिए। इसकी हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। ये देखिए डॉट्स लगे हुए हैं और इसकी हम ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर हम लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। नीचे आइए, ये देखें इस तरीके से यहाँ पर मदर्स बच्चों को बिल्कुल इस के नीचे नीचे इस लेटर के डॉट डाल के दे देंगी इस तरह से, और बच्चे उसके नीचे के की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बच्चे ये देखिए के कैसे लिखेंगे इस तरह से। ऐसे बच्चे जिनको के लिखना ना आए, वो उनके मदर्स उनको इस तरह से थ्री डॉट्स डाल के देंगे। इसमें बच्चे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें इस तरह से। पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके बाद यहाँ पर टू देखें और डॉट डाल के दिए इस तरह से, और फिर एस देखिए इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और ये हम पूरी के की यहाँ तक पूरी प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल की। अब आइए नीचे, ये लिखा हुआ है सर्कल के। ये देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और इनमें से हम सर्च करेंगे कि के कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ये के लिखा हुआ है, इसको सर्कल किया हुआ है। अब आगे आइए, आगे आए देखते हैं फर्स्ट लाइन में, ये देखें ये हमें सर्कल के मिल गया, इसको हम कर देंगे सर्कल। आइए नीचे वाली लाइन में, ये देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये देखिए मिल गया हमें सर के मिल गया, इसको हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर एक और के है, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। और आगे यहाँ पर नहीं, नीचे आइए ये देखें एक और के मिल गया, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। आगे देखते हैं इसी तरीके से वन बाय वन आप सारे अल्फ़ाबेट्स को देखते चले जाएंगे, और जहाँ पर भी आपको के नज़र आए उसको हम सर्कल कर देंगे। इतना ईजी है ये तो। अब आगे आएंगे हम एल की तरफ, ये तो बहुत ईजी है। देखिए बस हमने जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाई और इसको नीचे से हल्का सा कर्व कर देंगे। ये देखें ये हमारा बन गया एल। इस तरह से हम इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और नीचे बिल्कुल इसके नीचे ये देखिए इस तरह से हम डॉट्स डालेंगे। लाइन्स का बहुत ध्यान रखेंगे ताकि हमारी सही फॉर्मेशन आए। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई और इसको हल्का सा नीचे से बेंड कर दिया या कर्व कर दिया। ऐसे बच्चे जिनको ला लिखना ना आए, मदर्स उनको इस तरीके से टू डॉट्स डाल के दे सकती हैं, जिसमें बच्चा पहले स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये देखिए, और फिर नीचे से आकर हल्का सा कर्व कर देगा। इस तरीके से आपने एल की प्रैक्टिस करनी है। आइए इसके नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट एल। अब ये देखें यहाँ पे थ्री पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो सभी पिक्चर
ल से स्टार्ट होगी, उसके हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख देंगे यहाँ पर एल। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉक है, ये लीफ है और ये है आइसक्रीम। अब ये देखिए ये लॉक है, लॉक कैसे स्टार्ट हो रहा है ये देखिए, इस तरह से सब मेरे साथ साथ लिखिए। लव लीफ को देखें और लीफ किससे स्टार्ट होता है, लस, इस तरह से। और आइसक्रीम चूँकि एल से स्टार्ट नहीं होती इसको में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब आइए के और एल की प्रैक्टिस करते हैं कॉपी पर। देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो हमारा है, जिसमें हमारे टू लेटर्स लिखे हुए हैं, कैपिटल के और उसके स्मॉल शेप है, और इसी तरीके से एल है और उसकी शेप है। टू लेटर्स को अब हम सेकेंड टर्म में लेकर चलेंगे साथ साथ। सबसे पहले आपको जैसे कि पहले भी पता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए मैं भी आपके साथ करती हूँ। ये देखिए के, देखिए उसकी स्मॉल शेप, ये देखिए, और इसी तरीके से देखिए एल। एल तो बहुत ईजी है। ये देखिए पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई और छोटी सी नीचे स्लिपिंग लाइन बना दी, और ये देखिए इसकी स्मॉल शेप। इस तरीके से हम ये फोर टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब नीचे आ जाएं जहाँ पर सिंगल डॉट लगा हुआ है, उसमें हम के कैसे लिखेंगे ये देखिए। ये देखिए पहले मैंने बनाई, देखिए स्ट्रेट लाइन, और फिर ये देखिए इस तरह से, और ये टू स्टार्टिंग लाइन्स बना दी, देखिए, और ये मेरा बन गया के, कैपिटल के। और इसका जो स्मॉल शेप है वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वाली शेप इन टू लाइन्स में हम लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया के। इसको बहुत ध्यान से आपने करना है, इसकी भी नीचे प्रैक्टिस करेंगे। और एल कैसे लिखेंगे ये देखिए, इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई और नीचे से स्लिपिंग लाइन। ये देखिए एल की शेप तो बहुत ईजी है, और इसी तरीके से ये देखिए बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट लाइन बनाई, लेकिन नीचे से हल्का सा हम बेंड कर देंगे। इसकी आप पूरी प्रैक्टिस करेंगे और इसके नेक्स्ट पेज में भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कॉपी में हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, और क्यू के बाद ये देखिए इस तरह से मदर्स बच्चों को यहाँ पे लिख देंगी क्वेश्चन राइटिंग का, ये देखिए इस तरह से। राइटिंग का क्वेश्चन लिखा और पहले बच्चों को आप लिख दीजिए, देखिए के और ये स्मॉल के, और यहाँ पर सेकंड टाइम इस जगह पर यहाँ पर हम एल और स्मॉल ल लिखते हैं, देखिए। और बच्चों को इस तरह से आप डॉट्स डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रही हूँ के, और इसी तरह से एल के भी आप डॉट्स डाल रहे हैं। दोनों लेटर बहुत ईजी हैं ये देखिए, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके हाथ में ग्रिप आएगी और आपकी राइटिंग और ज़्यादा अच्छी है। आइए अपने न्यू लेटर्स की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 ओपन करें। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम जिसकी साउंड है म। मेरे साथ रीडिंग करें, म मैन, म माउथ, म माउस, म मैट, म मग, म मैंगो। और एम के नीचे क्या है ये देखिए, एन जिसके साउंड है न। मेरे साथ रीडिंग कीजिए, न नेट, न नट, न नंबर्स, न नेल, न नेस्ट, न नोज। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो ये देखिए हम इस तरीके से ये देखें बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर, देखिए एम लिखेंगे हम,
देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम अपनी ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत ध्यान रखना है कि डॉट्स के ऊपर ऊपर लिखेंगे, अगर आपके थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो आपका बहुत अनटाइडी लुक आएगी। आप देखिए बिल्कुल इसके नीचे नीचे से हम इस तरीके से बच्चों को फर्स्ट लाइन में नहीं बल्कि सेकेंड लाइन देखिए सेकेंड लाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से बच्चों को हम डॉट्स डालेंगे और बच्चे यहाँ पर एम लिखेंगे। ऐसे बच्चे जिनको माँ लिखना ना आए तो देखें कैसे लिखेंगे हम, 1, 2 और 3 डॉट्स हमने इनको डाल के दिए। इसमें बच्चे कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बनाई और देखिए फिर इस तरीके से ज्वाइन करके एक छोटी सी और स्ट्रेट लाइन बनाई और दोबारा से इस तरह से ये देखिए इस तरह से हम एम की शेप लिखेंगे और इसकी हम पूरी यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं ये देखिए इसके लिए मैंने इस तरह से 3 डॉट्स बनाए। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन करते हुए एक और छोटी सी स्ट्रेट लाइन बना दी और फिर दोबारा से ये देखिए इस तरीके से हम इस तरह से पूरी प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए इसके नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए ये येलो पार्ट है जिसमें हमने क्या करना है, लिखा हुआ है लीव एम लीव म। इसका मतलब ये है कि हमने एम को छोड़कर बाकी सारे अल्फाबेट्स में क्रॉस लगाना है। जैसे कि ये देखिए आई, ये एम नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। टी एम नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। आर एम नहीं है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से हमने एच को भी क्रॉस कर दिया लेकिन हमने एम को कुछ भी नहीं किया। ये देखिए हमने एम को कुछ भी नहीं करना। आगे देखिए पी को भी हमने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से एम को हमने कुछ भी नहीं करेंगे और जी को हमने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से हम ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी हमने क्रॉस कर दिया। ये देखें इसको भी हमने क्रॉस कर दिया लेकिन हमने माँ को कुछ भी नहीं किया। ये देखिए इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। अब आगे ना की तरफ इसके भी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर लिखेंगे। ये देखें इस तरह से दोबारा देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर लिख कर हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। नीचे आ जाएं बिल्कुल एन के नीचे नीचे तो देखिए इस तरह से पहले हम डॉट डाल देंगे इनिशियल डॉट्स और उसमें हम क्या करेंगे ये देखिए एन कैसे लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाई और फिर बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा नीचे से हम ये देखिए। ऐसे बच्चे जिनको ना लिखना ना आए हम उनके लिए 2 डॉट्स भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये देखें पहले मैंने इस फर्स्ट लाइन से फर्स्ट डॉट से देखें स्टार्ट किया इस तरह से और हल्का सा नीचे से करके और ये देखिए ये मेरा हो गया एन। इतना प्यारा, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। लिखा हुआ है राइट एन। ये देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई है नंबर्स की, नेल की और पेंसिल की। इसमें भी हम देखें नंबर्स क्योंकि एन से शुरू होता है और यहाँ पर हम लिख देंगे ये देखिए एन। इस तरह से मेरे साथ लिखें, ये देखिए नेल, इसमें हम लिखेंगे एन और ये है पेंसिल। ये चूँकि एन से नहीं शुरू होती यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। आइए इसकी कॉपी की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें सबसे पहले एम और एन, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे डॉट्स के ऊपर। ये देखें इस तरह से बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ऊपर लिखेंगे ऐसे ताकि आपको लिखना भी आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके हाथ में ग्रिप भी आ जाए। पहले हम एम की प्रैक्टिस करेंगे।
और फिर ये देखिए एन, देखिए इस तरह से एन, इतना इजी है ये। इस तरह से पहले हम डॉट्स पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर नीचे आएंगे सेल्फ पे। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसके लिए मैंने डाले हैं ये देखिए टू डॉट्स, ये देखिए टू डॉट्स। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ये देखिए इस तरह से टू स्ट्रेट लाइन्स बनाई। और सेंटर में मैं यहाँ पर एक डॉट, ये देखिए डॉट मैंने डाला। अब मैं ये देखिए इस डॉट को इसके साथ ज्वाइन करूँगी इससे, और इस डॉट को इसके साथ ज्वाइन करूँगी, देखिए ये मेरा हो गया एम, ठीक है। और अभी मैंने आपको इसकी स्मॉल लेटर की भी शेप सिखाई है, ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए इससे और फिर एस, ये देखिए, ठीक है। हम इसकी थ्री टाइम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखिए एन, ये तो बहुत ईजी है, इसके लिए आप इस तरह से डॉट्स डालें। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, फिर ये देखिए एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, और इस डॉट को इस डॉट के साथ एक स्लांटिंग लाइन बनाऊंगी, और ये देखिए, ये देखिए ये मेरा हो गया एन। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया था इसका स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं, देखिए फिर इस तरीके से आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप डॉट्स सिले हैं, और ऐसे बच्चे जिनको नहीं लिखना आ रहा है एंड उनको मदर्स इस तरह से डॉट्स डाल के देंगे इस तरह से, और एक यहाँ पर सेंटर, और एन के लिए ये देखिए इस तरह से आप डॉट्स डाल के देंगे, जिसमें बच्चे आसानी के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या फॉर्मेट है, फर्स्ट लाइन में हम क्यू लिखते हैं, पहले हमने क्यू लिखा और यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मदर्स बच्चों को खुद देख कर देंगी एम, जिसके नीचे नीचे बच्चे लिखेंगे, ये देखिए इस तरह से एम, और थोड़े से गैप के बाद यहाँ पर देखिए एन, और बच्चों को इसके नीचे नीचे देखिए डॉट डाल दें इस तरह से, ताकि बच्चे आसानी अपना काम कंप्लीट कर सकें। देखिए M और N, इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको M और N समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।